मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव की धूम हर गली मोहल्ले और हर कस्बे में दिखी। इसी श्रृंखला में सोमवार को बजरंगी स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दरमियान बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। इस दरमियान पार्षद दिव्या धुरडी ने भी अधिक जानकारी साझा की। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में सोमवार को बजरंगी स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजक नितिन शिमले की संकल्पना से निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। प्रभु श्री रामचंद्र जन्मदिन उत्सव हा रामनवमी शोभायात्रे मध्य एक शोभायात्रा सहभागी तो ये पूर्ण बजरंगी मित्र परिवार की शोभायात्रा है। ही शोभायात्रा हा प्रत्येक मनसा व्यक्ति मे मनातली एक राम की झलक अनेक शोभायात्रा ही एक चौकत नहीं तो ही हर एक चौकत निगेन कारण की आता हिंदू जागृत है। आणखी रामाचं राम मंदिर अयोध्या जे जागी जे तयार झाली म्हणजे त्या मोदीजीच्या कार्यात आपलं राम मंदिर तयार झालं। सर्व पूर्ण हर्ष उल्लासात हिंदू समाज प्रत्येक जागेवर राम मंदिराची झाकी काढत झाकी कुठे कुठे घेऊन आले। आमची झाकी जुनी शुक्रवारी ते सक्करदरा चौक तिरंगा चौक त्यानंतर शारदा चौक मयूर मंगल कार्यालयापासून तर वापस नागनदी पुलावरून आपल्या जुनी शुक्रवारीचं समापन ही बजरंगी स्पोर्ट अकॅडमीची शोभायात्रा आहे। मी माझं नाव नितीन शिमले राहणार जुनी शुक्रवारी प्रभाग 31 संयोजक पदावर आहे। आणखी बजरंगी स्पोर्ट अकॅडमी मी संस्थापक आहे। हर साल के तरह इस साल भी भव्य दिव्य शोभायात्रा का आयोजन बजरंगी अकेडमी के माध्यम से नितिन जी शिमले और उनके पूरे मित्र परिवार की ओर से इस साल भी यह आयोजन किया जा रहा है। हर साल यहाँ महाप्रसाद का भव्य आयोजन होता था, पालखी का भी आयोजन होता था। इस साल शोभायात्रा वातावरण बनाना हमारे समाज में एक अच्छा वातावरण बने और आने वाली पीढ़ी को अपने सब राम लक्ष्मण सीता सभी अपने जो धार्मिक कार्यक्रम है उसकी जानकारी मिले यह वातावरण बने इस भावना से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी देखील बजरंगी स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे ही शोभायात्रेचं आयोजन केलेलं आहे। याचं आयोजन नितीनजी शिमले यांनी केलेलं आहे। भारतीय नववर्षाचा सण श्रीराम जन्मोत्सव नागपूर शहरामध्ये मोठ्या उत्सवाने साजरा केला जात आहे। 2 कोरोना काळामध्ये हा कार्यक्रम झालेला नाही आहे, परंतु यावर्षी पूर्ण शहरामध्ये मोठ्या भक्तिभावाने श्रीराम जन्मोत्सव साजरा होत आहे आणि थोड्याच वेळात इथनं भव्य शोभायात्रेचं आयोजन आपल्या सर्वांच्या वतीने आणि नितीन भाऊ शिमले यांच्या वतीने होत आहे। मी सर्वांना श्रीराम जन्मोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। जय श्रीराम। जय श्रीराम। मी सौ दिव्या दीपक धुर्डे नगरसेविका प्रभाग क्रमांक 27। बता दें कि ये शोभायात्रा जुनी शुक्रवारी से होकर सक्करदरा चौक तिरंगा चौक शारदा चौक और मयूर मंगल कार्यालय से गुजरकर फिर जुनी शुक्रवारी पहुंची। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार वीकेबी न्यूज नागपुर। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। Yes.